जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से चल रही हलचल पर आज विराम लग गया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 और अनुच्छेद 35(a) को भी खत्म कर दिया गया है। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो आइए जानते हैं कि इस फैसले से अमित शाह के किन किन मामलों पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखें तो 37 सीटें जम्मू में आती है जबकि 50 सीटें कश्मीर में आती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू इलाके की 37 सीटों में 25 पर जीत दर्ज की और राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी। ऐसे में लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर आभा का कहना है कि बदली हुई परिस्थितियों के बाद सरकार विधानसभा सीटों पर परिसीमन जरूर कराएगी। वैसे भी इसके लिए लंबे समय से मांग हो रही है, इसलिए जरूरत इसलिए भी है कि जम्मू परिक्षेत्र में ज्यादा इलाका और ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कम है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।